नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रोडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पंखाजुर दौरा, सीएम ने विशाल जनसभा को किया संबोधित, जनता से की वोट की अपील। मध्य प्रदेश दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम केजरीवाल ने बैडन विधानसभा में किया रोड शो, पंजाब के सीएम भी रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने की पीसी, पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा जनता से झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। अंतागढ़ विधानसभा पर पहुंचे पश्चिमी बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, माने में चुनावी सभा को किया संबोधित, जनता से की बीजेपी को वोट की अपील। भोपाल में टिंकरिंग और रोबोटिक्स एआई लैब का उद्घाटन, डॉक्टर शिवन विरकू और डॉक्टर नन्ना ने किया उद्घाटन, विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ना है लैब का उद्देश्य। तो वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में शामिल करना था। इस दौरान अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त करके जिस एजेंडे में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसे प्रस्तुत करने में मैं आया हूं। अमित शाह ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चली और इस दौरान बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में छत्तीसगढ़ में तब्दील किया गया और अब फिर से चुनाव आया है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए एक पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। तो वही खबर गुना से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बमोरी विधानसभा से विशाल आम सभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का आग्रह किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 15 महीनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार को गिनाया। साथ ही उन्होंने जनता से संवाद करते हुए पूछा कि सरकार बदलकर हमने ठीक किया या नहीं। उनसे सवाल पर जनता ने एक सुर में कहा कि महाराज, आपने कांग्रेस सरकार गिराकर ठीक किया। आपको बता दें कि इस सभा में हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। हमारे बीकानेरपुरी एक्सप्रेस हो, सतगंजी एक्सप्रेस हो, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी हो, इंदौर चंडीगढ़ हो, इंदौर अजमेर हो, ग्वालियर इंदौर हो, इंदौर अमृतसर हो, विशाखापट्टनम भरत की कोठी हो, जो जयपुर हो, ग्वालियर पुणे हो, जोधपुर चेन्नई हो, और तो और क्या झांसी से रूटी से लहर चला रही, वहां से सीधा दिल्ली से मुंबई चलिए, ताकि आपको मुंबई दो ब्लॉक है, दो सब स्टेशन होने चाहिए, पर बमोरी में 8-8 सब स्टेशन हमने दिए, बांसगेट, ईरामनगर, रुकावल, सिंध, वायु, जरा, अयोध्या, इतने सब स्टेशन बना दिए जितने ट्रांसफॉर्मर नहीं होते उतने सब स्टेशन आप लोग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आपको बता दें कि इस पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बात यह कि मोदी की गारंटी दे रहे हैं, मोदी के आदेश और गारंटी में विरोधाभास है। आदेश में था कि कोई भी राज्य समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पंचायत में नकद बांटेंगे, मतलब कमीशन का जुगाड़ देख रहे हैं। और इसी के साथ में सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र 0/0 है, बिना मेहनत किए घोषणा पत्र तैयार किया गया, बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई भी दम नहीं है। वहीं सीएम ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। इसलिए कि वो केवल उद्योगपति होंगे, कर्ज माफ कर सकते हैं। 24 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों के उन्होंने राइट अप किया, माफ किया, कर्ज माफ।
किसानों के कर्जा माफ सुनते ही इनको गुस्सा आ जाता है। पहली बात तो ये है, इसमें मोदी जी की गारंटी लिखाया है। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो समर्थन मूल्य से एक रुपये ज्यादा नहीं देने की बात उन्होंने कही। वो जो आदेश है क्या वो निरस्त करती भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसमें कहा कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक कोई भी अनाज है उसकी कीमत नहीं दे सकेगा। तो क्या ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का आदेश है, दोनों में विरोधाभास है, ये गारंटी कैसे माने? बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के साथ ही बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गोवर्धन मांझी रसेला क्षेत्र पहुंचे, जहां पर रसेला में मंडल चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क करते हुए जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद में गांव हीराबतर के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर माथा भी टेका। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए संकल्प पत्र को सभी वर्गों के हित में बताते हुए जीत का दावा भी किया है। बहुत सारे फायदे हैं और काफी लोगों को, पूरे हमारे प्रदेश के लोगों को खबर होंगे। एक बार हम लोग 3100 रुपये का जो समर्थन मूल्य है धान का, उसको एक मुश्त देने की बात की जा रही है। हम एक साथ देंगे, ये चार चार बार उसको बांट करके आधे पैसे को, लोग चक्कर काटते काटते थक जाते थे, तीन बार कई बार पांच छह बार जाने के बाद एक बार का किस्त निकलता था, लोग हलाकान थे इससे। और ये योजना को भी एक राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, उस योजना के तहत ये देने का काम करते थे, जबकि हमारे आम नागरिक का पैसा था, वो उनके घर से अगर देते थे, पार्टी से देते तो उनका नाम रहते तो समझ में आता, पर इस तरह से ये लोग उस पैसे को भी, हमारे आम नागरिक का पैसे को किसी का नाम उसके नेता का नाम से दिया जाता था, ये अनुचित था। आज हमारी सरकार 3100 रुपया डायरेक्ट खरीदी के बाद उनको पैसा देगी। मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जिले में विविध आयोजन किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जनपद पंचायत सारंगढ़ में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता के लिए मतदान बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित समस्त ग्रामीणों और महिला समूह ने बाइक रैली करते हुए सारंगढ़ विलईगढ़ सबो जावो वोट देके वर का नारा देकर विपक्ष निष्पक्ष मतदान करने हेतु शपथ भी ली। और आपको बता दें कि साथ ही हस्ताक्षर वोट से भी जागरूक किया। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक अपना योगदान दिया और शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ ली। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जिले में कई आयोजन भी किए जा रहे हैं और इसी क्रम में जनपद पंचायत सारंगढ़ में स्वीप गतिविधि के तहत में मतदाता जागरूकता के लिए मतदान बाइक रैली का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मतदाता जागरूकता की रैली की शपथ लेते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। सारंगढ़ विलईगढ़ में एक नारा दिया गया कि निष्पक्ष मतदान करने के लिए, आपको बता दें कि सबो जाबो वोट देके बर, साथ ही हस्ताक्षर वोट से भी जागरूक किया गया। खबर मेहर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह भी दिखा। अपने क्षेत्र के चहेते नेता को देखकर लोगों में उनके स्वागत के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण भी किया। और इस महाजन संपर्क अभियान में ऐसा पहली बार देखने को मिला जहां पर सरकार के प्रति जनता का रुझान ही खुशियों से भरा रहा। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव गरीबों के हितों पर काम करती रही है। उज्जैन के नागेश्वर धाम कॉलोनी में लाखों रुपए की सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार कॉलोनी में रहने वाले राघवेंद्र द्विवेदी ने घर से कोई अज्ञात बदमाश अलमारी और पेटी का ताला खोलकर लाखों रुपए के सोने के जेवरात चुरा कर ले गया था।
आपको बता दें कि वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसीपी गुरुशरण पराशर ने भी बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही पूछताछ के बाद इनके कब्जे से 10.5 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक रेलवे में नौकरी करता है, वहीं एक ड्राइवर है। उज्जैन पुलिस थाना चिवनगंज मंडी, पुलिस को एक बड़ी नकबजनी ट्रेस करने में सफलता प्राप्त हुई है। दो आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। विगत 2-3 दिन पहले थाना 6 से एक नकबजनी की रिपोर्ट आई थी, पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई की। टेक्निकल एविडेंसेस और ग्राउंड लेवल एविडेंसेस से पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से जो माल अपहृत हुआ था पूरा का पूरा बरामद किया गया है। ये आरोपी जो फरियादी है उसकी बेटी MBBS कर रही है, उसके परिचित हैं, उनका यहाँ निवास पर इनके निवास पर आना जाना था। झबुआ में राड़ापुर थाना क्षेत्र में चार पहिया वाहन से शराब परिवहन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान नगद राशि और कार भी जब्त की गई। मामले के अनुसार SDOP झबुआ रूपरेखा यादव के मार्गदर्शन में राड़ापुर थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब परिवहन का जो है कार्यवाही की और साथ ही आपको बता दें कि भाड़ाखेड़ा रोड की तरफ से भी एक सफेद रंग की कार में अवैध अंग्रेजी शराब की जा रही थी। इसमें पता चला कि 68.56 बल्क लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 26,000 रुपए है। और वहीं आरोपी के विरुद्ध कई धाराओं के तहत में कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें कि कंकेर की सभा में लगभग 45 मिनट तक भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 5 बार छत्तीसगढ़ आए और 139 बार झूठ भी बोला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदती है, अपने छत्तीसगढ़ धान खरीदी कर लिए के क्या बजट बनाया है, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी के भ्रष्टाचार के संरक्षक बने हुए हैं और कहा कि सीएम बघेल ने किसानों के खाते में सीधे पैसा डाला है। सुशील आनंद शुक्ला ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति बताया। तो आप एक ईमानदार सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं। आपकी ईडी 5 रुपए के भी भ्रष्टाचार को हमारे किसी भी नेता के ऊपर साबित नहीं कर पाई। उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। तो जिनके ऊपर में 36,000 करोड़ के नान घोटाले लगे हैं, जिनके ऊपर में 6200 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाले का आरोप है, जिन्होंने इतना पैसा कमाया 15 साल में कि देश की बैंकों में रखने के लिए जगह नहीं थी, वर्जिन आइलैंड में खाता खोला, पनामा पेपर के भ्रष्ट लोगों की सूची में अभिषेक सिंह का नाम आता है। प्रधानमंत्री जी, आपको चुनौती है, क्यों जांच नहीं करवाते हैं आप? आपकी ईडी, आपकी आईटी क्यों उसमें मौन रहती है? पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज अंतागढ़ विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि जिसके बाद में शुभेंदु अधिकारी ने बांदे में चुनाव सभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार का घोषणा छत्तीसगढ़ के जनता को राहत देने वाला है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही कर सकती है, विकास नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ईमानदार सरकार है और आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। और साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आने वाली 7 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विक्रम उसेंडी जी को विजयी बनाएं। ये तो मेरा रिलेटिव का घर है, यहाँ 50,000 से ज्यादा बंगाली वोटर्स है, 1 लाख से ज्यादा बंगाली है, 133 ग्राम में है। खास करके बंगाली बंगाली का सवाल नहीं है, हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी, हम सबको एक साथ राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के पक्ष में लाना चाहिए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तोषण का तुष्टीकरण का राजनीति खत्म करना चाहिए। खबर भोपाल के शहीद हेमू कॉलोनी की है, जहां पर एजुकेशनल सोसाइटी के मिठी गोविंदराम पब्लिक स्कूल के
अटल टिंकरिंग और रोबोटिक्स एआई लैब का डॉक्टर शिवन वरिकू और डॉक्टर नन्ना वरिकू ने भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लैब उन्हीं के सहयोग से स्थापित की गई। डॉक्टर शिवन वरिकू अमेरिका के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट के साथ में सेवा सदन द्वारा लगाई जाने वाली निःशुल्क यूरोलॉजी कैंपों में अपनी सेवाएं भी देते हैं। और इस अवसर पर डॉक्टर शिवन वरिकू ने भी अटल टिंकरिंग और रोबोटिक्स एआई लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में तकनीकी और विज्ञान विषय के प्रति सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान को जोड़ना है। भारतीय थल सेना के आर्मी ऑर्डिनेंस कोर से 30 साल की सेवा करने के बाद में सेवानिवृत्त होकर सूबेदार मानिक लाल मंडावी फरसगांव पहुंचे। आपको बता दें कि जहां पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों, परिजनों और फरसगांव वासियों ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सूबेदार मानिक लाल मंडावी ने भी कहा कि 30 साल की नौकरी में देश की सेवा करके जो सुख और आनंद की अनुभूति मिली वो कहीं नहीं मिल सकती। मैं अपने जिलों के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि सेना में भर्ती के लिए आगे आएं और देश की सेवा करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपको बता दें कि और कहा कि पिछले 9.5 सालों में एनडीए और बीजेपी सरकार की ओर से राष्ट्रवाद शब्द का हमेशा इस्तेमाल किया गया। कतर में नौसेना के 8 अधिकारियों की मौत की सजा सुना दी गई और ये सैनिक अगस्त 2022 से कतर की हिरासत में थे और सैनिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। एनडीए भारत विकास का काम तभी हो सकता है जब देश में सुरक्षा का वातावरण अनुकूल हो, शांतिपूर्ण हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बीजेपी शासनकाल में 3 से बढ़कर 14 जिलों में फैल गए हैं। जग जाहिर है कि सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स एनडीए भाजपा सरकार के अग्रिम संगठन है, उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई निष्पक्ष जांच एजेंसियां नहीं है और पिछले 9 वर्ष में जितने मुकदमे विपक्षी नेताओं पर बनाए गए पूरे भारत में आज तक किस मामले में कन्विक्शन हुई? और अगर आप देखें, और मैंने लोकसभा में सवाल पूछा था कि वर्ष 2000 या 1999 से लेकर 2014 तक जितनी ईडी की रेड हुई हैं उससे लगभग 600-700% ज्यादा पिछले 9.5 वर्ष में हुई। तो आप कोई जांच एजेंसी भेज दीजिए, किसी के भी आप रेड करा दीजिए, साथ में केंद्र शासित जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको भेज दीजिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या है? शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जिसके तहत में स्थानीय अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पोस्टर, बैनर, रंगोली प्रतियोगिता कराई गई और सभी को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि जिले भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही है और इसी क्रम में स्थानीय अम्बेडकर मार्ग महुपरा पर लगभग 48 विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रकार के रंगोली, पोस्टर और बैनर्स बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया और जिसका अवलोकन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्नाल ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने भी उपस्थित बच्चों से कहा कि सभी अपने अपने दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी से कहें कि वे 17 नवंबर 2023 को मतदान जरूर करें। और साथ ही कलेक्टर ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई मतदाता जागरूकता रंगोली भी देखी और सभी विद्यार्थियों की प्रशंसा कर उन्हें बधाई दी।
आरोप लगाया और साथ ही धार के शराब माफिया नन्हे ठाकुर की पार्टनरशिप ने बीजेपी को हाईजैक किया, जो कि अच्छे काम करने वालों को हटाते हैं, और कहा कि मुझे स्वयं को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाया गया और साथ ही धार जिले के कई मंडल अध्यक्षों को भी हटा दिया गया। जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ, मेरा पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए रहा है। मैं बचपन से संगठन और समाज के लिए काम करते आया हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत काम करते आया हूँ, और ये मेरा पूरा जीवन रहा है, लोगों के बीच में रहा है। निश्चित तौर पर लोग मुझ पर विश्वास जगाकर मुझे चुनेंगे और मैं उनकी सेवा करूंगा। ये तो व्यक्ति विशेष ने हाईजैक कर ली ना पूरी पार्टी, उनके आधार पर वहाँ नियुक्ति होती है, उनके आधार पर वहाँ हटाए जाते हैं। संगठन में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं जिला अध्यक्ष था, मुझे जिला अध्यक्ष से हटवाया गया, जो मंडल अध्यक्ष अच्छे थे वो काम करते थे उनको हटवाया गया, तो ये व्यवस्था उन्होंने हाईजेक कर ली है और इस व्यवस्था को उन्होंने शराब माफियाओं के हाथ में दे दिया, इसका विरोध है मेरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरव सन्नी महाजन ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आपको बता दें कि गौरव सन्नी महाजन विधानसभा सीहोर में एक बड़ा नाम भी है, उनका प्रभाव सीहोर विधानसभा पर किसी से छुपा नहीं है। जब से बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के समर्थन में विधानसभा में उतरे हैं, तभी से बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है और उन्हें बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के लिए निरंतर चुनाव प्रचार करते हुए देखा जाता है। और गौरव सन्नी महाजन ने सीहोर विधानसभा के ग्राम अहमदपुर, अजमतनगर, नाईहेड़ी और साथ ही सनखेड़ा में बीजेपी उम्मीदवार सुदेश राय के लिए जनसंपर्क भी किया। राज्य और केंद्र की सरकार के द्वारा आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिली भगत से घटिया निर्माण कार्य पर खानापूर्ति की जाती है। आपको बता दें कि मामला कुसमी विकासखंड का है, जहां पर नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार ने बिना स्टील के प्रयोग किए लगभग 500 से 700 मीटर नाली का निर्माण कार्य किया है। और आपको बता दें कि जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उस स्थान पर ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया और इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग हैं। रिपोर्ट से ग्राम पंचायत है, ये जो नाली बोला है घर के सामने नाली बना है, हमारे घर के सामने ये जो नाली बना है, छड़ वगैरह डाला गया कि नहीं डाला गया? छड़ नहीं डाले हैं। आप लोग शिकायत नहीं किए थे इसका? किस हम तो नहीं जानते किसके पास करेंगे। अच्छा, उसी के लिए चुपचाप पड़े हैं। तो आप चाहते हैं कि फिर से नाली अच्छा से बना दे? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद कॉलोनी में एक युवक के शरीर पर लकड़ी आर पार हो गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृत युवक के परिजनों ने दो लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद में कोतवाली थाना पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खास बात यह है कि मृतक युवक शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रमेश शर्मा का पुत्र है और उनके द्वारा बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं पर चुनावी रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगा है। वहीं इस मामले पर कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई और उनके पुत्र की दो लोगों ने हत्या कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। क्या हुआ, मेरा विधायक का चुनाव लड़ रहा, मेरा फॉर्म भरा था तो मेरा क्या है, पहले जो वार्ड नंबर था अपना, उससे मेरे चुनाव में मैंने विरोध किया था बानू का, बानू दुबे का, तो इसलिए अब भी चुनाव में फॉर्म भरा। अब वो मेरे बगल मेरा लड़का आया था, उसको लड़कियों को मारा और मार दी, वो थोड़ा घर गया, घर जाने के बाद वो सो गया, उसको हॉस्पिटल चले, उन्होंने चार पांच जनों ने उस लड़के को मार दिया। तो ये लकड़ी उसके आर पार हो गई इसी ने? सर उन्होंने फेंक के मारी, वो गिरा, वो घुस गई, ये हुआ है। कभी शर्मा जी है अपने लेके गोली लेके आए थे अपने बच्चे की, उनका कहना है कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना आजा पर मरकान किया गया है, हमारे पैसे अग्रिम कार्रवाई की बैरानी होगी वो की है। सर उसमें किस तरह की क्या हुआ है, किस तरह की उसकी नहीं, इसका जांच कर रहे थे तो सीएम के बाद बात बताई, नाम वगैरह दर्ज किए गए आरोपी अभी सिर्फ मरकान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।